कानपुर में पुलिस ने पुलिस का ही हाफ एनकाउंटर कर दिया। चौंकिए मत, इसमें से एक पुलिस नकली थी, लेकिन जब उसका असली पुलिस से सामना हुआ तो होश ठिकाने आ गए। दरअसल एमपी के दमोह निवासी वसीम खान अपने दो साथियों के साथ कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत कार से आए थे। ये तीनों मकनपुर गांव बद्दीउद्दीन जिंदा शाह मदार के दरगाह पर अपने धार्मिक गुरु से मिलने के लिए आ रहे थे। दो दिन पहले रात को उनकी कार को एक दूसरी कार ने ओवरटेक किया और उसमें से निकले चार लोगों ने अपने को पुलिस से बताया और धमकाने लगे। तीन व्यक्ति मध्य प्रदेश के दमोह से आए थे और वो मकनपुर में मजार शरीफ पे जा रहे थे। बिल्लौर और मकनपुर के बीच में उनके द्वारा बताया गया कि जब वो अपनी कार से जा रहे थे तो उनके साइड में आके एक दूसरी कार रुकी, इसमें से चार व्यक्ति उतरे और उन्होंने अपने आप को पुलिस विभाग का होना बताया। वो सभी सादे वस्त्रों में थे और इन लोगों को इनकी कार से उतार कर उनको अपनी कार में डाल लिया, उनके साथ मारपीट की, उनके घर पे फ़ोन किया और बताया कि या तो आप हमें 1,00,000 रुपये भेज दीजिए, नहीं तो हम इनको फर्जी मर्डर के मुकदमे में जेल भेज देंगे। इसके बाद आरोपियों ने तीनों से लूटपाट की और कुछ पैसे ऑनलाइन मंगवा कर तीनों पीड़ितों को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। पीड़ितों ने थाने में अपनी तहरीर दी, लेकिन आरोपियों का नाम, पता, गाड़ी का नंबर कुछ भी बता नहीं पाए। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चारों आरोपियों को पहचान लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। उन्होंने इन पे, जो तीनों व्यक्ति मध्य प्रदेश से आए थे, उनके परिवारजन पे दबाव बनाया गया और इनके पास जो भी नकद पैसा था, इनका एक व्यक्ति के हाथ में एक चांदी का ब्रेसलेट था और इनके मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। जब इनके पास से जो पैसा था वो सब वो उनको मिल गया तो उन्होंने इन तीनों को, एक व्यक्ति को पनकी में और बाकी दो व्यक्ति को महाराजपुर थाना क्षेत्र में छोड़ दिया और वहां से वो लोग अपनी गाड़ी के साथ चले गए। रविवार की रात पुलिस प्राइस चेकिंग कर रही थी, उसी समय रात को चारों आरोपी निकले और पुलिस को देख कर फायरिंग झोंक दिया। अपने को बचाने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक आरोपी के पैर में गोली लगी, उसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी टीम ने काम करना शुरू किया और मुझे बहुत ये कहते हुए बहुत मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ, हमारी टीम के द्वारा अपने अथक प्रयास से 24 घंटे के अंदर इस घटना का सही अनावरण किया है और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन सभी चारों अभियुक्तों की पहचान हुई और इन सब अभियुक्तों को पकड़ने के लिए जब घेराबंदी की गई तो कल रात में, जो बीती रात है, उसमें अरोल थाना क्षेत्र में विजधन रोड पर हमारी टीम अपनी चेकिंग कर रही थी इन्हीं अभियुक्तों के लिए और एक आम चुनाव के दृष्टिगत। इसमें एक गाड़ी में ये चारों अभियुक्त आए और उन्होंने पुलिस बैरियर को टक्कर मार के वहाँ से भागने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा इनका पीछा किया गया। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस की टीम पे फायर किया। जवाबी फायर में इनमें से एक व्यक्ति सूर्या उर्फ सूर्यकांत को पैर में गोली भी लगी और चारों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के बाद बदमाश दिव्यांशु कमल उर्फ लाली, शंटी उर्फ अमन, ऋषु सविता उर्फ लड्डू, सत्यप्रकाश यादव और सूर्यकांत चौरसिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक बदमाश सूर्यकांत चौरसिया के पैर में गोली लगी थी, जिसको उपचार के बाद कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया है। और इस पूरी घटना के सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे।